कामयाबी हासिल करने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। नंबर एक, सही वक्त। नंबर दो, सही तरीका। और नंबर तीन, सही सोच। जाहलों का तरीका ये है कि जब उनकी दलील मुकाबले के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। जो ऊंची जगह पर खड़े होते हैं उनको ज्यादा तूफान और आंधियों का सामना करना पड़ता है। वो आंसू बड़ा कीमती है जो खुदा के हजूर गुनाहों की माफी के लिए है। इंसान का जवाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलस रहने वाले लोगों से मुनाफ़ा शुरू कर देता है। दुनिया धोखेबाज, नुकसान देने वाली और जल्द फना हो जाने वाली है, इसलिए खुदा ने दुनिया को ना तो सवाब देने के लिए पसंद फरमाया और ना अजाब देने के लिए। एक गैबी असूल ये भी है कि जो चीज तकसीम कर गए इस चीज की तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, इलम हो, मोहब्बत हो, दरगुजर हो, खाना हो या आसानियां। हमारी नजर दूसरों के छोटे छोटे ऐबों पर होती है, अपने बड़े बड़े ऐब दिखाई नहीं देते। अपने बदन पर सांप बिच्छू लटक रहे हैं, उनकी परवाह नहीं, और हम दूसरों की मक्खियां उड़ाने की फिक्र में हैं। अल्लाह अगर मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। जिन पर आंख बंद करके भरोसा करें, अक्सर वही आपकी आंखें खोल देते हैं। जब तुम्हें सुकून की कमी महसूस हो तो अपने रब से तौबा करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। गुफ्तगू की दो शर्तें हैं, एक तमीज से की जाए, दूसरा दलील से की जाए। किसी की गलतियों को बेनकाब ना करो, खुदा बैठा है, तुम हिसाब ना करो। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्जों और रवैयों के जख्म कभी भी ठीक नहीं होते। इस दुनिया में सभी लोग तो जिंदा हैं, लेकिन जी वही रहे हैं जिन्हें दूसरों का एहसास है। वो कभी नहीं मर जाती जिसकी प्यास कुरान पाक की तलावत से बुझी हो। मेरा बुरा करने वालों, याद रखना मेरे मामलात अल्लाह पाक के हवाले हैं। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी भी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। तुम क्यों बिला वजह उदास होते हो? क्या तुम्हें भरोसा नहीं रब्बे कायनात पर? कुछ लोगों को आप जितनी मर्जी इज्जत देकर देख लें, वो ये साबित कर देते हैं कि वो इस इज्जत के काबिल नहीं। आप अपनी परेशानियां गिन सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की नेमतें नहीं। इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचा देती है। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज्यादा हों। हमारे माशरे में अक्सर बासलाहियत लोग जहानत की कमी की वजह से नहीं, मेहनत की कमी की वजह से नाकाम हो जाते हैं। इसलिए अक्सर दफा मेहनती लोग जहीन लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों तक अपना असर छोड़ जाते हैं।
जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखें। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। जमाने का सहारा तो बजाहर एक दिखावा है, हकीकत में मुझे मेरा रब गिरने नहीं देता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मैक्स हैप्पीनेस को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।